लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एक छोटा सा मेरे जीवन का अनुभव आज न बताऊं तो कब बताऊं। नासिक शिवरात्रि का पर्व था, यही संध्या की भेला थी, बापूजी पधारे थे, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम से पूरा पंडाल झूम रहा था। बापू के दर्शन करके सब आनंदित हो रहे थे और बापूजी मंच पर उस आनंदमयी भक्तिमय मस्ती में मस्त हो रहे थे। जब कीर्तन करते करते कीर्तन पूरा हुआ, मैं दाईं ओर बैठी थी, बापूजी की दृष्टि पड़ गई। बापूजी ने मुझे आगे बुलाया और पूछा कि कितनी उम्र है। तब मैंने बताया था 39, 5 साल पहले। तब बापूजी पूछे ऑपरेशन कितनी उम्र में हुई थी। मैंने कहा जी 7 साल में। क्या हुआ था? बापूजी मेरे हार्ट का वॉल खराब हो गया था। डॉक्टरों ने क्या कहा था? मैंने बताया स्वामी जी कहा था कि हम वॉल बदल देते हैं, खोल देते हैं, पर ऐसे बच्चे लंबी उम्र नहीं जीते हैं, इसलिए ये बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की है तो 20-21 साल तक जिएगी। तब बापूजी फिर से पूछे अब कितने की है? मैंने कहा जी 39। कितना कहा था? 21। कितनी जी गई? मैंने कहा जी 18 और जी गई। तब बापूजी दया के करुणा के सागर, मैं नीचे खड़ी थी, बापूजी ऊपर मंच पर थे। बापूजी ने कर कमल सिर पर ऐसे हाथ रखा और कहा जा, धर्मराज भी तुझे नहीं ले जाएगा, वो जब ले जाएगा मेरे से आज्ञा लेके फिर ले जाएगा। जैसे आज यहाँ आपकी तालियां गूंज उठी, तब बापूजी ने नासिक के मंच पे ये कहा तो पूरा पंडाल गूंज उठा के बापूजी ने इस बच्ची के सिर पर हाथ रखा और उसे पुनः जीवन का दान दिया। और मेरे विद्यार्थी भाई बहनों को बताना चाहूँगी, अभी 1 महीना पहले मेरे भाग्य में 2 घड़ी दर्शन लिखे थे, तब भी बापूजी ने मुझसे पूछा अब कितने साल की हो गई? मैंने कहा स्वामी जी 44। तो बापू ने कहा मरने वाली नहीं है, अभी जिएगी, अभी तो बहुत सारा काम कर। तो बापूजी के सम्मुख जेलर साहब खड़े थे, बापूजी ने उनको भी बताया कि देखो ये बच्ची कहाँ 20-21 साल में राम को प्यारी होने वाली थी और आज 44 साल तक चल रही है, अभी आगे भी चलेगी। तो मैंने दोनों हाथ जोड़कर जेलर को कहा कि मैं आज अगर इस धरती पर खड़ी हूँ, मेरी श्वास चल रही है, मेरा ये शरीर सेवा के लायक है, तो ये मेरे पूज्य बापूजी की अनंत कृपा का साम्राज्य। तो विद्यार्थी, गुरुदेव केवल न ज्ञान का दान तो देते हैं, गुरुदेव दया का दान देते हैं, भक्ति का दान देते हैं, पर आज आपके सामने जो आपकी बहन बैठी है, इस बच्ची को तो जीवन दान भी बापूजी ने दिया हुआ है। और मैं आज इस पावन घड़ी पे गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जब तक जीऊँ, जब तक इस शरीर में चेतना हो, गुरुदेव के दैवी कार्य में सदैव लगी रहूँ। श्रद्धा भक्ति के सुमनों को बापूजी के श्री चरणों में अर्पित करती हुई यही मांग रही हूँ कि सदैव सदैव तन मन धन के साथ गुरु चरणों में लगी रहूं।